वेलकम एवरीवन। तो आज मैं रॉबिन्स मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सीप को देखते हैं जिसमें कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है जहाँ आग लगी हुई थी। वहाँ पे एक आदमी भी फंसा हुआ था। फिर वो लुटेरे उसे बचाकर अपने सीप में ले आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम रॉबिन्स है। उसके साथ एक बोलने वाला पैरोट भी होता है जिसका नाम था मैक। मैक वहाँ शरारती करने लगता है, इसीलिए रॉबिन्स उसे सीप के बाहर रहने को बोलता है। वहीं पे दो चूहे होते हैं। उन चूहों को मैक रॉबिन्स की स्टोरी सुनाता है। सीन शिफ्ट होती है पास्ट में जहाँ हम देखते हैं कि मैक अपने दोस्तों के साथ एक आइलैंड पे खुशी खुशी जी रहे होते हैं। उनके दोस्तों का नाम होता है एपी, कैरमलो, किकी, स्क्रैबी, रेंगो। वहीं एक सीप में देखते हैं रॉबिन्स को अपने डॉग और साथियों के साथ खजाने की तलाश में निकले हैं। लेकिन अचानक तेज तूफान आ जाती है और रॉबिन्स अपने डॉग को लेकर बेसमेंट में चला जाता है जहां दो कैट्स भी होते हैं जो हमेशा भूखे रहते हैं। रॉबिन्स के बाकी साथी तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं लेकिन वो उसी बेसमेंट में फंसा रह जाता है। वहीं मैक और उसके दोस्त भी तूफान की वजह से किसी सेफ जगह को ढूंढने लगते हैं। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक गुफा मिल जाती है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि रॉबिन्स की सीप उसी आइलैंड में टकराकर रुक जाती है जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद रॉबिन्स अपने डॉग के साथ बाहर आ जाता है। उन दोनों को देखकर बाकी सब काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी इंसान को देखा था। लेकिन मैक काफी खुश था क्योंकि उसका सपना था कि दूसरी दुनिया को जाकर देखे और उसे लग रहा था कि रॉबिन्स किसी दूसरी दुनिया से ही आया है। पर उसके फ्रेंड्स रॉबिन्स को वहाँ से भगाने के लिए बहुत शोर करने लगते हैं। इनकी आवाज सुनकर रॉबिन्स भी काफी डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कोई खतरनाक चीज है, इसीलिए वो अपने डॉग को लेकर भागने लगता है। लेकिन लहरों की वजह से कहीं जा नहीं पाते बल्कि दोबारा से उसे आइलैंड में आ जाता है। उनके पास कोई चारा नहीं था इसीलिए वो दोनों अपनी सीप में ही रात गुजारते हैं। फिर नेक्स्ट डे रॉबिन्सन अपने जरूरी सामान को धीरे धीरे करके आइलैंड में ला रहा था। वहीं मैक और उसके फ्रेंड्स छुपकर उसे देख रहे होते हैं। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है। इधर वो दोनों कैट भी बाहर आ जाते हैं। वो दोनों कैट तो हमेशा भूखे ही होते हैं, इसीलिए उनका प्लान था मैक और उसके दोस्तों को खाना। दूसरी ओर रॉबिन्स को सीप में एक गन मिलता है जिसे वो शूटिंग का प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद वो अपने डॉग के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। सामने उसे रोजी मिलती है लेकिन उसके ऊपर दया आ जाता है, इसीलिए उसे नहीं मारता और वहाँ से उसे भगा देता है। फिर वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। इधर कैट मैक को पकड़ लेते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं, पर उसी वक्त रॉबिन्सन और उसका डॉग आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन मैक जख्मी हो जाता है, इसीलिए रॉबिन्सन अपने साथ सीप में ले जाकर उसे ठीक कर देता है। वहीं दूसरी ओर मैक के फ्रेंड्स को उसके कुछ पंख मिलते हैं। इसका फायदा उठाकर कैट उन्हें भड़का देता है। वो कहता है कि रॉबिन्सन एक बुरा इंसान है, उसी ने मैक को खाने के लिए अपने साथ ले गया है। फिर वो सभी कैट के साथ मिलकर रॉबिन्सन और उसके डॉग पर अटैक करने का प्लान करते हैं, जिसके बाद वो दोनों कैट सीप पे जाकर उन पर अटैक करते हैं। वहीं रॉबिन्सन बाहर था, उस पे भी सभी मिलकर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीप पे आग लग गई है और वो डॉग उस पे फंस जाता है। कैट और मैक वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं लेकिन सीप ब्लास्ट होने की वजह से रॉबिन्सन का डॉग मारा जाता है। फिर अगली सुबह मैक सबको बता देता है कि उन कैट ने तुम सबको बेवकूफ बनाया, रॉबिन्सन बुरा इंसान नहीं है, उसने ही मुझे उन कैट से बचाया था। जिसके बाद वो सभी रॉबिन्सन के पास उसे माफी मांगने आते हैं और उसे कुछ फ्रूट्स देकर चले जाते हैं। वहीं उन कैट्स के ढेर सारे बेबी आ गए थे और उनका प्लान था जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब एक साथ मिलकर मैक और बाकी सबको खाएंगे। वहीं धीरे धीरे रॉबिन्सन उन सबसे दोस्ती कर लेता है और वहाँ रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो टूट जाती है। फिर वो पेड़ के ऊपर घर बनाने का सोचता है और उसी काम में लग जाता है। बाकी सभी उसकी मदद करते हैं। फिर बहुत दिनों के बाद वो घर बनकर तैयार हो जाता है जिसमें सभी मजे से अपनी लाइफ जीने लगते हैं। रॉबिन्सन ने मदद के लिए एक वॉच टावर भी बनाया था पर बहुत दिन बीत गई पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। वहीं देखते हैं कि कैट के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। फिर वो सभी किसी तरह कीकी को पकड़ लेते हैं लेकिन सही टाइम पर मैक आकर उसे बचा लेता है। पर वो कैट सीधा जाकर रॉबिन्सन के घर पे अटैक करने लगते हैं। रॉबिन्सन अपना गन को रेडी कर रहा था कि उस पर बहुत सारी बिल्लियां हमला कर देती हैं। वहीं सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और एक एक करके सभी कैट को नीचे गिराने लगते हैं। लेकिन कैट अब भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसी बीच रॉबिन्सन भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मैक अपने फ्रेंड्स की मदद से गन उठाकर बारूद के बंडल में शूट कर देता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और सारे कैट भाग जाते हैं। लेकिन मैक और उसके फ्रेंड जानते थे कि वो दोबारा आएंगे, इसीलिए वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मैक चिल्ला के सुन कैट्स को वॉच टावर के ऊपर ले आता है जिसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे गिरा देते हैं जिससे सभी कैट पानी में गिर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक कैट ने रॉबिन्सन के घर में आग लगा दिया था। तभी रॉबिन्सन भी होश में आ जाता है। फिर मैक उसकी मदद करता है जिससे रॉबिन्सन एक रस्सी के सहारे नीचे लटक जाता है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आती है जहाँ रॉबिन्सन उन लुटेरों को कहता है कि मुझे अपने घर छोड़ दीजिए,
लेकिन उनका कैप्टन कह दिया है कि नहीं, अब तुम हमारे टीम के मेंबर बन चुके हो, तुम हमारे साथ काम करोगे। लेकिन रॉबिन्सन उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहीं एक छोटे से सीप पे कुछ कैट अब भी बचे हुए थे जो उसी सीप की ओर जाने लगते हैं। तभी रॉबिन्सन भी उसी पे आकर गिरता है और दोबारा उसी आइलैंड की तरफ जाने लगता है। इसके बाद उनका कैप्टन भी कहता है कि जाने दो उसे, ऐसे भी उसे आइलैंड में जंगली जानवर खा जाएंगे, वो ज्यादा दिन तक बचने वाला नहीं है। फिर रॉबिन्सन उसी आइलैंड में चला जाता है और डिसाइड करता है कि उसी आइलैंड में साथ रहेगा, जिसके बाद वो सब वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और इसी तरह के वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।